कि भारतवर्ष में अभी पूंजीवाद, मनुवाद और सामंतवाद वो हावी है, वो सारे फैसला ये लोग करते हैं। तो पूंजीवाद, जिसके पास पूंजी है और सारे बड़े बड़े घराना है, ये सारे जो मीडिया और ब्यूरोक्रेसी या जुडिशियरी को भी वो कब्जा में रखे हैं, और जो सत्ता में आते हैं भी ये लोग भी इन लोग का कब्जा में है। ये सोचते हैं ये सिर्फ चौकी में बैठे हैं, लेकिन जो पूंजी उनको दिया है वो सोचता है ये सर बैठे हैं हमारा पूंजी से। तो इसीलिए आम जनता अभी तक हमारा समझ में आया नहीं कि देश में बाबा साहब जो कंसेशन हमको दिए हैं, हमको मालिक बनाए हैं, फिर अभी तक हम लोग मालिक ऐसे हम सोचे नहीं अभी तक। ये गलती हमारा है। जब हम मालिक बनाए हैं संविधान, तो संविधान हमको बनाए हैं, लेकिन जिसको मालिक बनाए हैं ये अभी तक सोचे नहीं है मालिक है। हम जिसको प्रतिनिधि करते हैं ये सोचते हैं वो मालिक बन गए, ये सोचते हैं वो मालिक बन गए, लेकिन मालिक जनता है। तो अभी तक हमको प्रमाण करना होगा कि हम मालिक हैं। तो अभी तक जितने हैं भारतवर्ष का मूलवासी, तो हिसाब में जैसे हम गुरुजी के बारे में बोलते हैं, वो तो कोई चमार के बारे में बोले नहीं, वो सारा मानव के लिए बोले हैं। तो भारतवर्ष में देश में मानव की विचार अलग है, सारा पृथ्वी में अलग है। हमारा देश में ये विचार है कि जो नीचे ताकत है ये कमज़ोर है, इनके ये शिक्षा और संपत्ति से वंचित हुए हैं, तो ये कमज़ोर लोग, कमज़ोर आदमी कभी एक बड़े भारी प्रदर्शन करने के लिए इनके पास संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम कमज़ोर ये सोचते हैं। तो हम कितने जोर है, कितने जोश है, तो इसीलिए क्या करते हैं, तो मुस्लिम का धर्म स्थल है तो उनको तोड़ देते हैं, क्या हमारा दलित का धर्म स्थल है उनको तोड़ देते हैं, वो पंजाबी जो है तो आप इनका पर भी कभी कभी ये जुल्म होता है, और जो क्रिश्चियन है इन लोग के पर जुल्म होता है। ये लोग सारे कौन है जो सिख बने हैं पंजाब या जहाँ भी हो, ये सारे दलित वर्ग का लोग हिंदू धर्म का जो व्यवस्था था इसके तंग होकर नाराज होकर ये सारे गुरु जी, गुरु नानक जी जो बताए हैं, बताए थे वो बन गए। तो जैसे रविदास जी हमको मैसेज दिए थे, भाई सारे हम समान हैं, सारे के समान है, देश में जितना संपदा है ये सबके इनका हिस्सादारी है, लेकिन हिस्सा कहाँ मिलता है हमको, हमको तो कमज़ोर करके रखे हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं हमारा, हम जो कुछ करेंगे या बनाएंगे वो तोड़ देने से भी हम सोचते हैं ये कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इतने बड़े प्रदर्शन हमारा हुआ रामलीला मैदान में, तो उसके बाद भी उनका नींद टूटे नहीं। तो ये जो सोचते हैं, तो फिर हम इनको जागरूक करने के लिए ये धारणा पर हम बैठे हैं कि शायद भूल जाएंगे, तो इनको बार बार सूचना देने के लिए ये धारणा पर बैठे हैं। और हमको सूचना है अभी, भाई हम मालिक हैं, तुम हमारा प्रतिनिधि हो, जो जज भी हो वो कौन है, ये भी हमारा नियम कानून जो बनाए हैं संविधान में इसी पर काम करना है। लेकिन कोई फोन कर देता है बड़े आदमी तो या उनका जजमेंट भी बदल देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ है इनको हम हमारा प्रदर्शन के माध्यम से हम इनका मन बदलाएंगे, और सरकार भी जब छोटे छोटे काम पर अपना अध्यादेश ले आते हो तो इसी काम पर जब कुछ गलती हो गया तो अध्यादेश करके इनको निपटा लेना, या सुप्रीम कोर्ट भी जो रिव्यू पिटीशन है तो पिटीशन को भी ठीक ढंग से काम कर देना। तो ये काम जब तक नहीं करेंगे हम हमारा जो प्रदर्शन है इनको चालू रखेंगे। इतने बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।